तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार की रात धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। इस दौरान पेड़ गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और तेज आंधी से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण अलग अलग हादसों में कुल 23 लोग घायल हुए। खराब मौसम के कारण 9 फ्लाइट्स को जयपुर डायवर्ट किया गया है और सड़कों पर पेड़ गिरने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में यातायात भी प्रभावित हुआ है। पुलिस ने बताया कि उन्हें पेड़ गिरने से जुड़े 152, इमारतों को नुकसान पहुंचने से जुड़े 55 और पावर कट से जुड़े 202 कॉल रिसीव हुए हैं। आंधी और बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ते तापमान से लोगों को राहत मिली है।